असलम आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन फिजिकल साइंस चैप्टर सेन द फर्स्ट टॉपिक्रांसफर्स वेव वॉट इज ट्रांसफर्स वेव इफ़ द मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ़ द मीडियम बी पर्पेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ट्रांसफर्स वेव जो मोशन पार्टिकल का पर्पेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन पे तो वो वेव का हम लोग क्या बोलेंगे ट्रांसफर्स वेव लाइट मेरा एग्जाम्पल है ट्रांसफर्स वेव का यानी कि लाइट मूवज एज ट्रांसफर्स वेव्स

but the rope vibrates up and down but the vibration is up and down so this type of wave is known as transverse wave so in real life we can take this example and understand this type of wave next is longitudinal waves the motion of the particle perpendicular the motion if the motion of the particle be parallel to the direction of the wave propagation the motion particle ka parallel here डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन का तो वो इस टाइप ऑफ वेव को हम लोग क्या बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव अ लोडेड स्प्रिंग प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल वेव वेन लेफ्ट टू वाइब्रेट वर्टिकली यानी कि साउंड ट्रेवल करता है थ्रू गैसेज एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सो यू कैन अंडरलाइन दिस The example of this type of motion, a long spring which can be easily compressed and expanded. ek long spring lenge jisko aasani se hum log compress ya expand kar sakte can be compressed, it can be compressed and expand. So left and right bottom end of the spring is pulled slightly and release. यानी के left और right bo, both end spring का हम लोग pull करेंगे और उसको release करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि spring starts to move. अप एंड डाउन तो डिस्टर्बेंस इज फाउंड टू ट्रेवल फ्रॉम द फ्री एंड ये जो डिस्टर्बेंस है वो फ्री एंड से लेके फिक्स्ड एंड तक ट्रेवल करेगा एंड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्प्रिंग तो वेव सो फॉर्म्ड इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव तो ये वेव जो फॉर्म्ड हो रहा है ये क्या है लॉन्गीट्यूडनल वेव तो वेन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव पासिस थ्रू अ मीडियम एक लॉन्गिट्यूडनल वेव पासिस करेगा मीडियम के थ्रू तो वो डिवाइडेड करे होगा दो रीजन में सी एन आर

नंबर वन प्रोपोगेशन वेव जो प्रोड्यूस होता है वो ड्यू टू पीरियॉडिक मोशन होता है पार्टिकल का ईच पार्टिकल ऑफ़ द मीडियम एग्जीक्यूट एग्जैक्टली सिमिलर वाइब्रेशन यानी कि हर पार्टिकल मीडियम का एग्जीक्यूट करेगा सिमिलर वाइब्रेशन अबाउट देयर मीन पोजिशन नेक्स्ट नंबर थ्री डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम यानी कि डेंसिटी और इलास्टिसिटी के के हिसाब से वेव मोशन मीडियम का वेव मूव्स इन विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी यानी कि वेव Move करेगा एक particular velocity के साथ, यानी ट्रांसपोर्ट करता है एनर्जी किसके थ्रू मीडियम के थ्रू वेव पासेज थ्रू अ मीडियम एवरी पार्टिकल ऑफ द मीडियम passes थ्रू द सेम चेंजेस इन प्रेशर एंड डेंसिटी यानी कि जब वेव पास करेगा थ्रू अ मीडियम तो हर पार्टिकल मीडियम का पास होगा थ्रू द सेम चेंजेस यानी कि सेम चेंजेस प्रेशर में भी और डेंसिटी में भी हर पार्टिकल मीडियम का विल गो थ्रू द सेम चेंजेस इन प्रेशर एंड डेंसिटी सम टर्म रिलेटेड टू वेव्स दैट इज एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी पीरियड वेव लेंथ एंड वेव फर्स्ट वन इज एम्पलीट्यूड वॉट इज एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल का होगा कहाँ से मीन पोजिशन से उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलेंगे वेव का नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन यानी कि नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन जो वो करता है पर यूनिट टाइम में उसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव ये यूजली हम लोग क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं एन से और उसका यूनिट है पर सेकेंड और साइकिल पर सेकेंड और हर्द्स सो वी कैन से द यूनिट कैन बी हर्द्स पीरियड द टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल इन द पाथ ऑफ द वेव टू कम्प्लीट वन वाइब्रेशन यानी कि टाइम पीरियड पार्टिकल का जो रिक्वायर्ड होगा कंप्लीट करना वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए उसको हम लोग पीरियड बोलेंगे और इसको रिप्रेजेंट करेंगे टी से एंड द फॉर्मूला इज एन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू वन बाई टी नेक्स्ट इज वेव लेंथ ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स विच आर इन द सेम फेज एट एनी इंस्टेंट दिस इज़ नोन एज वेव लेंथ इट इज़ यूजली रिटर्न बाय द लेटर लैमडर ओके नाव वी कैन सी द वेव विसिटी इन अ मीडियम डिस्टेंस ट्रेवल बाई द वेव इन यूनिट टाइम इज कॉल द विलोसिटी मतलब मीडियम में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वेव यूनिट टाइम में उसी को हम लोग विलोसिटी बोलेंगे अगर फ्रिक्वेंसी यू कैन सी दिस फॉर्मूला वी इज इक्वल टू एन लैमडा अगर जी वी मेरा विलॉसिटी है एन फ्रिक्वेंसी है और लैमडा मेरा वेव लेंथ है तो वी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड वेव लेंथ